आरबी टेक में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आइए कमाल की गर्मा गर्म खबरें आपके सामने हाजिर है हमेशा की तरह। तो लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए, जिससे टेक्नोलॉजी रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हो आपके पास सबसे पहले। तो फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं आईकू से। आईकू का जो नियो 7 SE, ये जो स्मार्टफोन है, हमें बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकता है। अकॉर्डिंग टू योगेश ब्रांड, इस स्मार्टफोन की कुछ स्पेसिफिकेशंस लीक्स हुई है। इसके अकॉर्डिंग इस स्मार्टफोन में आपको 6.7 इंच के एक FHD+ AMOLED पैनल देखने को मिल जाएगी, और वो भी 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ। जी हाँ, और उसी के साथ आपको मेडिटेक डायमेंसिटी 8200 SoC देखने को मिल जाएगा। 50 MP का OIS के साथ आने वाला एक प्राइमरी सेंसर देखने को मिलेगा। 8 MP एंड 2 MP से ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। 16 MP का फ्रंट कैमरा, 8GB RAM, 12GB RAM, ऐसे दो ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। 128GB, 256GB, 512GB, ऐसे तीन स्टोरेज वेरियंट आपको देखने को मिल जाएंगे। 5000mAh की बैटरी, Android 13 बेस ओरिजिन OS आपको देखने को मिल जाएगा, और 120W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। अब ये जो स्मार्टफोन है वो कितना जल्दी आने वाला है, उसके बारे में अभी कोई भी ऑफिशियल लीक्स नहीं आई हुई है। तो देखते हैं कितना जल्दी ये स्मार्टफोन आता है। और एक बात काफी अच्छी लगती है कि जो आईक्यू है वो बहुत ही अच्छे स्पेक्स के साथ बहुत ही वैल्यू फॉर मनी फोन्स लॉन्च कर रहा है। आपका क्या कहना है इस बात पर, नीचे कमेंट में जरूर से बताएं। सैमसंग की वेबसाइट पर बहुत ही जल्दी ब्लैक फ्राइडे सेल हमें देखने को मिलने वाला है, जिस पर सैमसंग के जो गैलेक्सी डिवाइसेस है उस पर बहुत ही तगड़े आपको डिस्काउंट देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर आप एक सैमसंग डिवाइस लेने के लिए सोच रहे हो तो थोड़ा वेट कर लो। 24 नवंबर से ये जो सेल है उसकी शुरुआत होने वाली है और 28 नवंबर तक ये चलने वाला है। तो काफी बेहतरीन सेल ये होने वाला है, जहां पे बहुत ही भारी भरकम डिस्काउंट देखने को आपको मिल जाएगा। और ये जो बात है वो सैमसंग ने खुद अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करके बताई है। तो इस सेल में ही आप अपना पसंदीदा स्मार्टफोन घर ले आओ और खुश हो जाओ, इससे आपकी काफी सारे पैसों की बचत हो जाएगी। पॉट्रोनिक्स कंपनी ने अपनी एक बहुत ही बेहतरीन स्मार्ट वॉच पॉट्रोनिक्स क्वाडनॉक्स X4, ये जो स्मार्ट वॉच है वो भारत में लॉन्च कर दिए। इसी स्मार्ट वॉच की कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो इस स्मार्ट वॉच में आपको 1.8 इंच की एक HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, प्लस इसमें आपको मल्टीपल स्पॉट मोड देखने को मिलेंगे, 100+ वॉच फेसेस देखने को मिल जाएंगे, हार्ट रेट सेंसर, SpO2 मॉनिटरिंग और कॉलिंग फीचर भी आपको देखने को मिल जाएगा। और ये बात मुझे सबसे अच्छी लगी कि इस स्मार्ट वॉच में आपको कॉलिंग फीचर भी दिया जा रहा है। अगर इसी स्मार्ट वॉच की कीमत की बात करें तो ये आपको मिल जाएगी 2999 रुपए में। अगर आप इसे खरीदना चाहते हो तो Amazon और Flipkart से खरीद सकते हो। तो ये काफी अच्छी स्मार्ट वॉच है, अगर आपको कॉलिंग फीचर के लिए चाहिए स्पेशली तो आप इसे जरूर से चेकआउट कर सकते हो। और इसी साथ आपको बात बता दूं कि ये स्मार्ट वॉच पर आपको 1 साल की वारंटी भी दी जा रही है, तो ये भी एक अच्छी बात है। सैमसंग ने अपना एक नया 5G स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी A23 5G ये लॉन्च कर दिया है, पर हालांकि ये लॉन्च किया है जापान में, और ये फोन ऑलरेडी अगस्त में ग्लोबली भी लॉन्च किया जा चुका है। पर इस स्मार्टफोन में कुछ थोड़े बहुत बदलाव किए गए। जापान के अंदर जो ये फोन लॉन्च किया गया वो एक कॉम्पैक्ट डिस्प्ले के साथ दिया हुआ है। इसी कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ आने वाले स्मार्टफोन की कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो इस स्मार्टफोन में आपको 5.8 इंच की एक HD+ TFT डिस्प्ले देखने को मिलेगी 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ। डायमेंसिटी 700 SoC देखने को मिल जाएगा। 6GB RAM, 128GB स्टोरेज के साथ आएगा। 4000mAh बैटरी मिलेगी। 15W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। Android 12 रहेगा। IP68 की रेटिंग देखने को मिल जाएगी। ये बात मुझे काफी अच्छी लगी हुई इस स्मार्टफोन के बारे में। 50 MP का रियर कैमरा, 8 MP का फ्रंट कैमरा। अगर इसी स्मार्टफोन की कीमत की बात करें तो ये आपको 9990 ताइवानी डॉलर में मिल जाएगा, यानी करीबन आपको ये मिलेगा 26,400 रुपए में इंडियन करेंसी के हिसाब से। तो ये जो स्मार्टफोन है वो कौन यूज कर सकता है? अगर किसी को कॉम्पैक्ट डिजाइन वाला छोटा सा चाहिए स्मार्टफोन तो ये उनके लिए बहुत ही काम का है। तो अगर आपको पसंद है ऐसा स्मार्टफोन तो आप जरूर से इसे चेकआउट कर सकते हो। व्हाट्सएप अपने यूजर्स के एक्सपीरियंस को और बेहतर करने के लिए कुछ ना कुछ अपडेट देता ही रहता है, और अब कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप पर एक बहुत ही जल्दी बहुत ही बेहतरीन अपडेट आने वाला है, जो कि व्हाट्सएप का डेस्कटॉप वर्जन यूज करते हैं उनके लिए होने वाला है। व्हाट्सएप पर ऑडियो और वीडियो कॉल करने के लिए फीचर काफी टाइम से अवेलेबल है मोबाइल के लिए, पर व्हाट्सएप का जो डेस्कटॉप वर्जन है उस पर अभी भी आप कॉल वगैरह वीडियो कॉल कुछ भी नहीं कर पाते हो। पर अब कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप का जो डेस्कटॉप वर्जन है उस पर आपको कॉलिंग फैसिलिटीज दी जाएगी। अभी ये जो फीचर है वो बेटा टेस्टिंग के लिए अवेलेबल हो चुका है, और कहा जा रहा है बहुत ही जल्दी इसका स्टेबल वर्जन सभी के लिए रोल आउट किया जाएगा।
तो ये काफी अच्छी बात है। आपको ये WhatsApp का डेस्कटॉप वर्जन कॉलिंग फीचर कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर से बताएं। अगर आपको एक बेहतरीन स्मार्ट वॉच चाहिए वो भी कम कीमत में, तो ये जो डील है वो आपके लिए काम की होने वाली है। Firebolt की तरफ से आने वाली Firebolt Ninja Call Pro Plus Bluetooth कॉलिंग स्मार्ट वॉच, ये जो स्मार्ट वॉच है आपको बहुत ही बेहतरीन डिस्काउंट में देखने को मिल रही है। इसकी एक्चुअल एमआरपी कॉस्ट है 19,999 रुपए, पर अभी अमेजोन पर आपको 90% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो ये स्मार्ट वॉच आपको पड़ जाएगी 1999 रुपए में। काफी बेहतरीन डील है और ये जो डील है वो सिर्फ आज रात को 12 बजे तक चलने वाली है। अगर आपको जरूरत है एक अच्छी बेहतरीन स्मार्ट वॉच की तो आप इसे जरूर से चेकआउट कर सकते हो, उसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गेमिंग की बात करें तो जो डेड आइलैंड गेम है इसका सेकंड पार्ट यानी डेड आइलैंड 2, ये गेम हमें फेब्रुआरी 3 को देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, काफी अच्छी बात है, पर इसके पब्लिशर है उन्होंने कह दिया है कि ये गेम थोड़ी डिले होगी और ये गेम आपको अप्रैल 28 को देखने को मिल जाएगी, यानी अप्रैल 28 को लॉन्च होने वाली है। तो आप उसके बाद जरूर से इस गेम को खेल के मजा उठा सकते हो। काफी अच्छी एक सर्वाइवल हॉरर गेम है ये। आपकी पसंदीदा सबसे हॉरर गेम कौन सी है नीचे कमेंट में जरूर से बताएं। तो बस आज की टेक न्यूज़ खत्म होती है, उम्मीद करता हूं पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए कीप ऑलवेज स्माइलिंग, स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।